तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब लोगों को स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो अभी जा रहा हूँ रनिंग के लिए। सारे लोग वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, अंधेरा हो गया ना, मैं भी काला हो गया। सो अभी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे। बहुत देर से हुआ उन लोगों ने इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे फ़ोन को बार बार कॉल आ रहा है। वहाँ पे जाके मिलता हूँ आप लोगों को, जो भी बात कर रहे हैं। आज बहुत स्पेशल होने वाला है, काफ़ी थक गया मैं। ओह, यहाँ पे साइड पेन होने लगा इसलिए रुक गया। आगे एक गया है और पीछे चार लोग आ रहे हैं, नहीं पाँच है, पीछे पाँच लोग आ रहे हैं। मुझसे आगे भाग चुके थे तो मैंने उड़ने बने पहले भागने की कोशिश की, क्योंकि ये लोग आगे चले गए थे ना, तो अभी पीछे हम आगे भागते हुए। देखो पीछे से साउंड आ रही है उसकी। सारा रनिंग वगैरह खत्म हो चुका है, हम तीन ही बचे हैं अभी फिलहाल के लिए। सब लोग चले गए हैं और आज हम तीनों मूवी देखने जा रहे हैं। ये कुछ मदर गजा देखने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं स्पाइडर मैन। ले जाते क्या, हम क्या मालूम बा लेके जाते। वो बोल पहला, वो बोल टिकट का पैसा मेरे पास नहीं है, जो और एक आने वाला है वो एडवांस में वहाँ पे दुकान में काम करता है, वही पे वहीं से ले लेंगे उसे। और फिलहाल के लिए अभी घर जाएंगे, नहाएंगे वहाएंगे और तैयार होंगे जाने के लिए। और आज एग्जाम फी भी भरना है, इसका भरना है, कितना, थर्ड सेम का है ना डिग्री। हाँ डिग्री, वो भी कौन सा बीए, ए मारना नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम। और ये अभी इसका खेत यहाँ पे जाएगा, एक दिन हम खेत में व्लॉग बनाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। वहाँ से रनिंग से आते हैं, अभी और जाना बाकी, हम तीन लोग रहते हैं, बाकी सब मैंने घर गए समझा था, लेकिन यहाँ पे कबड्डी खेल रहे हैं सब लोग। ये देखिए, हो ठंडी ठंडी मौसम में गर्मी का मजा, सारे लोग कबड्डी खेल रहे हैं। हो मुझे तो बहुत खतरनाक सा ठंड हो रही है। हो मुंडी टूट जाए, पचास रुपए का एक। पॉइंट मारा यार कबड्डी में सब में से, तू क्या बे गजब भेज दी है भाई इसकी। चलो 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 भाई लोगो, हाय इसकी बात होने दो, बात कर बा। मजे के देखने जा रहे हैं कन्नड़ा मोस्ट वांटेड फिल्म, लेकिन हम नहीं जा रहे, हम देखने जा रहे हैं सबसे बड़ी फिल्म या मार्वल की स्पाइडरमैन नो वे होम देखने जा रहे हैं, वो भी 3D में। ये शैंडलवुड और हम हॉलीवुड है, अकेला हूँ फिर भी जा रहा हूँ। हम साथ तीन लोग हैं और ये अकेला है। चुके सिटी में और अभी जा रहे हैं पिक्चर टाकी के पास। हाँ
तू फोन लगा रहे बाबा पहले। और ये हमारे साथ आ जा रहे, अच्छा मूवी है देखने के, आएगा आ जाए वहाँ पे क्या करेगा भाई, 3D में देखना मजा अलग है। मूवी टाकीज के पास पहुंच चुके हैं, वो भी चल के आए हम, पता नहीं चल रहा था कहाँ पे है करके। और ये लगे हमारे फेवरेट स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्टर। टिकट कहाँ पे लेते हैं यार? ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना, आ जा आ जा आ जा रे आ जा आ जा। तीनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अंदर जाने का है लेकिन 12 बजे नहीं है इसलिए टिकट एडवांस लेके बैठे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आ गए तो सीट नहीं मिलेगा करके जल्दी आ गए हम, लेकिन फेल हो गया। कोई बात नहीं, एक आधा घंटा वेट कर लेंगे और अंदर जाएंगे। 3D एक्सपीरियंस कैसा क्या होगा डायरेक्टली बाद में बताऊँगा आप लोगों को मैं, अंदर क्योंकि कोई लीक नहीं होगा हमारी तरफ से। हम टिकट लेके खड़े और ये टिकट लेके अंदर जाने के लिए मर रहे हैं ऐसे लाइन पे खड़े होके, और लोग आते ही जा रहे हैं बहुत लोग। फाइनली गिर गया था रे बाबू, फाइनली अंदर जा रहे हैं अभी। सो अभी टिकट चेकिंग हो रही है और उसके बाद कैमरा बंद, उसके बाद हाँ उसके बाद कैमरा बंद, सब कुछ बंद। थैंक यू। ये मास्क नहीं है और 3D चश्मा भी दे दिया है इसीलिए इनको यहाँ पे बाहर खड़ा कर दिया है, इनको दोनों लोगों को 3D गॉगल डाल के देखते हैं कैसा दिखता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। डाल दो फ्री में गॉगल मिल रहा है, मास्क दे रहे हैं, पैसा देने की इसकी औकात नहीं है पैसा खरीदने के। अंदर मास एंट्री हो रही है, ढूंढ बस सीट नंबर 17, 18, 19। ये भी है क्या, सीवी देखा? वो देखा नहीं मैंने, ये मोबाइल पकड़ कर। कौन सा है देखो सी 16, 19, 17। ये क्या सी? ये लाइन में है क्या? चल आ जा इस लाइन में। देखो नंबर पे बैठो, नंबर देखो। सो फाइनली अंदर पहुंच चुके हैं मजे लेने के 3D क्या। मोबाइल का टॉर्च लगाया क्योंकि हम नहीं दिख रहे हैं अंधेरे में, तो अभी डायरेक्टली बाद में मिलते हैं मूवी एंडिंग होने के बाद इंटरवल का। और अभी खा रहे हैं मूवी, बहुत खतरनाक सी इंटरवल है लेकिन 3D की वजह से थोड़ा सा हमें बहुत ही डार्क नजर आ रहा है। तो हमने मूवी देखा, मजा बहुत आया एंड में, तो बहुत अच्छा लगा वेनम को भी देख के। और अभी जा रहे हैं घर और किटकैट खाते हुए। हाँ लाया था किटकैट मेरा है रे बाबा, तेरा देख ले, मेरा है। तो अभी जा रहे हैं स्टेडियम के पास और मैं इनसे पूछना चाहता था मूवी का एक्सपीरियंस कैसा था, वो भी 3D का। क्या थर्ड क्लास था? कैसे थर्ड क्लास लगा? ये एक प्रॉब्लम हो रहा था अंदर, मूवी जो गॉगल देते ना वो ब्लैक कलर का देते है, लेकिन उसकी वजह से बहुत ही डार्क नजर आ रहा था अंदर, कोई जो अंधेरे में सीन्स है वो ज़्यादातर दिख ही नहीं रही थी, लेकिन मूवी स्टोरी वगैरह बहुत बढ़िया था उसके वजह से। ये मूवी ये जो डार्क दिख रहे हैं ना उसकी वजह से थोड़ा सा हमें इतना मज़ा नहीं आया अंदर टाकीज के अंदर। 2D जब देखेंगे मोबाइल में जब HD आएगा ना उसके ज़्यादा मज़ा उठाएंगे हम। सूज आ गया? नहीं मेरा नहीं, मेरा था, तेरा नहीं, मैंने ऑर्डर किया हुआ था उसे, एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था उस शूज को। रेलवे स्टेशन ऐसा स्टेट जाना पड़ेगा, अलाउड नहीं है। हाँ है तो जो मैंने मंगवाया था और मैं डिसाइड किया कि मैं नहीं लूंगा, तो इसने कहा कि मुझे चाहिए क्योंकि इसको शादी में जाना है सजधन के, तो डिलीवर बॉय यहाँ पे बुला रहे हैं उनको ले लेंगे उनके पास से। बॉय पीछे मुड़ा कहीं जा रहा है? स्पाइडरमैन बनेतला ना हो सर।
फाड़ दे इधर नहीं, घर को जाके ए यहाँ पे देखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। रईस खाने आए थे हम दोनों यहाँ पे शूज लेने के बाद। यहाँ का रईस बहुत मजा आता है हमें खाने में, इसलिए यहाँ पे बार बार आते हैं, इसलिए बार बार आते हैं। निचोड़ नींबू निचोड़, मैं तो स्पून ही नहीं यूज करता। खोलते खोलते चल चलो चलो फाइनली आ गए यहाँ पे। हाँ तेरा शूज आ गया, मैं घर पे आ गया, मेरा है वो। पैकेजिंग अच्छी है, ये वही कलर है, सेम टू सेम कलर, टू सेम ब्रो। ब्रांड ऑफ ब्रांड, क्या ऑफ ब्रांड सेम। अभी नहीं बूटते जरा थोड़ा को नहीं रहा बाप तू मैं कैसा ये तेरा मस्त है। चलो तो इसकी शूज तो अनबॉक्सिंग हो गई, हमने यहीं पे खोला और जो कलर मंगवाया था वही है, लेस वगैरह शूज। क्वालिटी भी अच्छी है, सिर्फ मिला हमें 406 रुपीज़ का मिला हमें, इतना ही, ज़्यादा नहीं। अभी जा रहे हैं चल के घर के, क्योंकि वो जो वहाँ पे दिख रही है ना कार, वो कार में आए थे हमारे फूफा जी की गाड़ी में। थोड़ा सा लिफ्ट ले लिया उनसे, क्योंकि बस थोड़ा सा देर हो गई हमें, इसलिए पैसे भी नहीं था, मिस हो गई, समझ ले वैसे ही कुछ। अभी घर जाके थोड़ा शूज निकालूंगा, अंदर पैर ना इतने खतरनाक से जल रहे हैं ना, जैसे कि आग लग रही हो। तो कब से घर पहुंच चुका था मैं, घर पहुंचते ही थोड़ा सा लकड़ियाँ फोड़ना था, लकड़ी फोड़ के अभी जा रहे हैं दोनों मिलके गांव। छोटी सी जगह पे हम थोड़ा सा एक छोटा सा होटल ओपन कर रहे हैं हमारे भैया जी, तो वहाँ पे जा रहे हैं। लगता है कि वहाँ पे वो क्या खम्बा लकड़ियाँ वगैरह डाल के एक होटल की तरह एक छोटा सा बना रहे हैं, बिजनेस एक नया वाला स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे कब तक चलेगा। लगता है कि भैया जी ही चलाएंगे। अभी मुझे सुबह ही फ़ोन किया था भैया जी ने, मैं और मैं सिनेमा थिएटर में था तो फ़ोन उठा नहीं पाया था। तो अभी देखेंगे, अभी गाली बहुत खतरनाक सी पड़ेंगी भैया की, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं उठाया था ना। बाद में मैंने भी फ़ोन किया था, वो नहीं उठाया। अगर मैं मूवीज़ को गया करके बोला, अगर उनसे बताता तो वो मुझे शायद गाली देता, ऐसा क्यों गया बिना बताए। मैं उनसे बिना बताए ही चला गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम है। अभी जाएंगे, लगता है कि सारा काम खत्म होगा। अभी ऐसे बोलेंगे वो, काम खत्म होने के बाद आया क्या, ऐसा बोलेंगे, देख के ना 100% यही बात बोलेंगे मुझे वो। देखेंगे अभी थोड़ी सी दूर है, चल के जा रहे हैं, गाड़ी नहीं है ना। और मेरी थोड़ी सी ना उंगली पे एक लकड़ी लग गई, बहुत खतरनाक सा दर्द हो रहा है। लकड़ियाँ जब फोड़ रहा था तो वो लकड़ी उछल के पैर पे ही गिर गई मेरी, पैर पे दर्द बहुत हो रहा है, फिर भी हल्लू से जा रहा हूँ। हमारा छोटा सा होटल जो बन रहा है अभी, और वो पतरस डालना है बहुत है यार। आई एम सो सॉरी कि वीडियो की एंडिंग नहीं दे पाया था रात में, तो अभी फिलहाल जा रहा हूँ रनिंग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, कोई भी नहीं करता। और चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आज की वीडियो इतना ही, अगली मिलते हैं, हम मिलते हैं अगले कोई नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।